जी गुड इवनिंग क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का न्यू लेक्चर, दैट इज कहाँ छोड़ा था हमने लास्ट में। कॉम्बिनेशन पूरा पढ़ लिया था, डिकम्पोजिशन एक्सप्लेन कर लिया था, मगर उसके एग्जांपल नहीं बताए थे। तो आज पहले हम वही एग्जांपल सीखेंगे, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूरा कर लेंगे। इसके बाद केवल हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट और एडॉक्स बचता है, यानी एक या दो लेक्चर और आएंगे, चैप्टर खत्म, देन वी विल स्टार्ट बायोलॉजी। ठीक है, चैप्टर 1 दैट इज लाइफ प्रोसेस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के मैंने सबसे पहले बताया था आपको जनरली बेटा कौन सा रिएक्शन होता है इसमें, थर्मल डिकम्पोजिशन, जो किसकी मदद से ब्रेक होता है बेटा, एनर्जी किसके रूप में देते हैं हम इसको, हीट के रूप में देते हैं। अब सुनिए मेरी बात, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है CaCO3, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। मैं लिखता चल रहा हूँ, सुनते रहिए, जिसको हम लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं। मार्बल सुना होगा जनरली आपने, कैल्शियम पत्थर, मार्बल है ना। जब भी हमने इसको क्या दिया, हीट दिया, ये जो डेल्टा का साइन होता है बेटा, ये जनरली हीट होता है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, ये सॉलिड होता है। तो जो ये जो आपका टूटता है बेसिकली CaO+CO2 गैस, और ये होता है सॉलिड, और इसका नाम आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कहते हैं क्विक लाइन, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था क्विक लाइन, और दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ब्रेक करते हैं तो ये कैसे ब्रेक होता है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा आ रहा है, सुन लीजिए, मैं अभी बैलेंस नहीं लिखा रहा हूँ, बैलेंस आपको सीखते हैं तो आप खुद कर लीजिए, आपको आता है तो, वरना लास्ट में करा दूंगा मैं। अगला जो एग्जांपल आ रहा है इसका, मैं हर किसी के एग्जांपल दूंगा, पोटेशियम क्लोरेट, सुनते रहना, आप कंफ्यूज मत होना। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं, इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, सब लिखते चलो बेटा हैंड टू हैंड नाम आप उनके, ताकि भूलो नहीं। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करेंगे, हीट ही दे रहे हैं अभी तक, तो वो पोटेशियम क्लोराइड में साथ में, आप खुद सोचो किस में टूटेगा, सोचो आपका, अगर हम पोटेशियम क्लोराइड को KCl में टूटेंगे तो KCl निकल गया, तो क्या बचा, O2, जो कि क्या होता है आपका गैस, और ये क्या होता है सॉलिड, और इसे कहते हैं बेटा पोटेशियम क्लोराइड। बैलेंस नहीं करी है मैंने, तो कोई ये ना बोले कि भैया आपने बैलेंस नहीं करी, क्योंकि मैंने आपके हिसाब से अभी इसको सिखाया नहीं है, तो इस वजह से। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बेटा क्या आपका जनरली दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं बेटा तीसरा एग्जाम्पल, आप पहले ये बताइए अगर आपको इन दोनों में कोई दिक्कत है तो पूछिए मेरे से। एक हमारे पास चीज़ होती है फेरस सल्फेट, तीसरा एग्जांपल बता रहा हूँ, फेरस सल्फेट, याद रखिएगा बेटा ये ग्रीन कलर का होता है, भूलना मत कलर। ठीक है, जिनके कलर नहीं लिख रहे समझ जाना कि उनका कोई कलर नहीं है। ठीक है, कभी सोच रहे हो कि भैया आपने पहले कलर नहीं लिखा तो उसका आपने क्यों नहीं करा, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक बात तो याद रखिएगा, इसमें एक कैटलिस्ट यूज होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंने पहले पढ़ाया था, आप भूल गए जब हम मिले थे, तो ये कैटलिस्ट है, मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि ये केवल क्या काम करता है, इसको रिएक्शन को हेल्प कराता है बस, और कुछ नहीं करता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड, क्या नाम है इसका, मैंगनीज, मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज लिख देता हूँ, MnO2 दैट इज मैंगनीज, एकदम याद आ गया इसलिए रोकना पड़ा दूसरी इक्वेशन, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो अगला क्या पढ़ रहे हैं हम बेटा, फेरस सल्फेट क्या होता है बेसिकली, जनरली सुन लीजिए, जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, जो कि ग्रीन कलर का है, तो ये बन जाता है Fe2O3। ठीक है, आप खुद सोचो क्या बनेगा, मैं करा चुका हूँ ये आपका एक बार, जब फेरस सल्फेट जो भी है बेसिकली हमारा क्या है, ग्रीन कलर का है, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो दो तरीके की गैस निकलती है, याद रखिएगा हमेशा, कोई बच्चा भूलना मत, ये SO2+SO3, और ये सॉलिड, और ये किसका होता है जनरली, आई थिंक ब्राउन कलर का, हाँ यस, ये होता है हमारा ब्राउन कलर का। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, क्या कहते हैं बेटा इसे जनरली, फेरिक ऑक्साइड। ये हो गए इसके तीन एग्जांपल किसके, थर्मल डिकम्पोजिशन के। रिएक्शन सबको याद होनी चाहिए, कंफ्यूज मत होना, पहला कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा पोटेशियम क्लोरेट, और तीसरा आपका आता है फेरस सल्फेट, क्या है ये, फेरस सल्फेट लिख देता हूँ नाम इसका। अभी जिसको ये नहीं पता कि फेरस क्या होता है, फेरिक कब आता है, फेरम कब आता है, फ़ोन करो समझा दूंगा, वैलेंसी का खेल है, 9th क्लास में आपने जहाँ भी पढ़ा होगा पता होगा, जो बच्चे मेरे से पढ़े उन्हें पता रखा है फेरस फेरिक फेरम कब आता है। ठीक है, तो चलिए अगला आता है। ठीक है, ये तीन एग्जांपल पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं अगला जो आता है बेसिकली, अब हमारा आता है एक और लास्ट एग्जांपल दूंगा इसका जो हम पढ़ चुके हैं, इसको इरेज कर देते हैं,
आप सबने सुना था लेड नाइट्रेट, एक लेड नाइट्रेट होता है बेसिकली कलरलेस, आप सबको याद हो तो मैंने येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट बनता था उसमें बताया था। लेड नाइट्रेट क्या है, एक सॉलिड है, क्या है ये, येलो कलर का। मैं जो कलर लिख रहा हूँ ये याद होने चाहिए, एक चार्ट बना कर दे दूंगा, जिस जिसके सबस्टेंस से कलर आते हैं उनके नाम लिख के दे दूंगा कि फेरस सल्फेट इस कलर का होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू का होता है, लेड नाइट्रेट येलो का होता है। क्या नाम है इसका, लेड नाइट्रेट, सुन लेना याद करके भूलना मत, क्या है इसका नाम, लेड नाइट्रेट। तो जब हम इसको तोड़ते हैं, क्या करते हैं इसको तोड़ते हैं, गलती से लिख दिया था वो, तो ये टूटता है लेड ऑक्साइड, क्या टूटता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये जो होता है येलो कलर का होता है और ये जो इसकी गैस निकलती है वो फ्यूम कैसी होती है, जैसे हमारे घरों में सिलेंडर जलाते हैं तो ब्लू कलर की फ्यूम आती है, गैस जलाते हैं ब्लू कलर की फ्यूम आती है, तो यहाँ पे कौन सी फ्लेम आती है, फ्यूम आती है ब्राउन कलर की। तो आपका पास क्वेश्चन आया कौन सी गैस ब्राउन कलर के साथ बर्न होती है, फ्यूम जिसकी ब्राउन कलर होता है, तो क्या बोलोगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या नाम है इसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है, एक गैस है और ये भी क्या है, एक गैस है और ये क्या है, सॉलिड। तो यहाँ पर आपका क्या हो चुका है, ये ठीक बेसिकली ख़त्म हो चुका है। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछिए, अगला मैं बता रहा हूँ अब आपका बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, ये हो गया है मेरा ख़त्म, कौन सा बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको क्या कहते हैं, लेड मोनोऑक्साइड, लेड ऑक्साइड की बात है, सुन लीजिए। दूसरा क्या बताया था मैंने इसका एग्जांपल कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, याद हो तो आपको, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक करते हैं सबस्टेंस को, मोर कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस को सिंपलर सबस्टेंस में। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जब वाटर को आप ब्रेक करते हो तो वो टूटता है किस में, H2+O2 में। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है बेसिकली बेटा क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। जिसको भी समझ में नहीं आया वो पूछिए। ठीक है, ये भी क्या है, गैस, और ये क्या है, गैस, ये क्या है, लिक्विड। एक एक्सपेरिमेंट आता है, क्या करा इसमें हमने, देखो बताता हूँ, ये क्या है मेरा, एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाटर है, ये मेरे क्या लग रहे हैं, कैथोड एनॉड, ये मैंने क्या लगा दी इसके साथ, बैटरी, ये मान लीजिए नेगेटिव से मिलके बना है, मैंने आप ध्यान से सुनते रहिए, मैंने बहुत पढ़ा है कैटायन आयन, तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा इसे कहेंगे बेटा क्या हम, कैथोड। अभी इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम कार्बन में, अभी कंफ्यूज मत होना। और ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है एनॉड, आप कहोगे भैया उल्टा बोल रहे हो, पॉजिटिव वाला कैथोड होता है, गलती आपकी भी नहीं है, मैं बताता हूँ, ये नेगेटिव से मिलके बना है तभी तो इस पर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है ना, तभी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसे कैथोड कहते हैं, लेकिन कैथोड बनता किससे, नेगेटिव से। ठीक है, कोई दिक्कत, उल्टा लगा दिया यहाँ, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये पार्ट हो गया। ठीक, तो इसके बाद जब हमने इलेक्ट्रिसिटी कराई तो ये टूट गई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बेटा हाइड्रोजन के जो वो पार्ट आए, जो हाइड्रोजन एंड, सुनते रहिए पेपर में क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन समझा देंगे कैसे आया, जब मिलेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब ब्रेक करा तो जो वो जिस रेशियो में प्रोड्यूस हुए वो क्या है, 2:1 में, किस में प्रोड्यूस हुए, 2:1 में। याद रखना, जब भी आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो तो जो हमारा ब्रेक होगा, ऑक्सीजन किस पे ब्रेक होगी, यहाँ क्या प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन। याद रखना, क्यों ही बता दूंगा, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है तो नेगेटिव पॉजिटिव पर जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, O2 नेगेटिव पड़ा होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव पर जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल बने, 1 मॉलिक्यूल, और यहाँ हाइड्रोजन के 2। तो जो हमारा बेसिकली जब हम इसे ब्रेक करते हैं तो वो किस रेशियो में आता है, 2:1 में पेपर में आता है कि एक एक्सपेरिमेंट करा है जिसमें एक पे गैस कलेक्ट होती है, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कलेक्ट होते हैं, 2:1 में। इट मीन्स कि जो वाटर है वो 2 हाइड्रोजन से मिलके बनाए और एक ऑक्सीजन से, इसलिए हमने वाटर का फॉर्मूला क्या रखा, H2O। पहले वाटर लिया, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, हमने क्या देखा, जो हमारा कैथोड है उस पर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के आ रहे हैं और 2 एटम, और यहाँ पर क्या आ रहा है, बेसिकली आपका एक आ रहा है ऑक्सीजन। तो हमने बोल दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन होते हैं, 2:1, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा था हमने, तो 2:1 में ये मॉलिक्यूल है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये किसका एग्जांपल है बेटा, बेसिकली आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का। इसी तरीके से एक एग्जांपल और,
मैं ये सारे एग्जांपल बता रहा हूँ, आप लोगों को पता होने चाहिए। जिसको ये वाला एग्जांपल नहीं आया मुझे कॉल करिए, ठीक है। जब हम सोडियम क्लोराइड, आप ये कार्बन में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ये मोल्ट नमक होता है जनरली, लेकिन सॉलिड होता है, मगर अभी कैसी स्टेट में है, मोल्टन स्टेट में है। जब सोडियम क्लोराइड के अंदर आप इसका क्या कराते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या कराते हो, तो सोडियम तो अलग हो जाता है और क्लोरीन आपकी गैस अलग निकल जाती है, और यही क्या है बेसिकली आपका एक तरीके से डिकम्पोजिशन किसका है, इलेक्ट्रोलाइसिस का। मोल्टन स्टेट में है या नमक, NaCl, ठीक है। आप जनरली जो हम नमक निकालते हैं वो ऐसे ही निकालते हैं, बताएंगे कार्बन में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कार्बन कह रहा हूँ, मेटल नॉन मेटल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये मेटल ही तो है, कि मेटल कैसे निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, रिफाइनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका दूसरा एग्जाम्पल बेटा, बात पहला वाटर का था। बात करते हैं तीसरा एग्जाम्पल, तो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि आपका मोल्टन स्टेट में ही होगा, एल का मतलब मोल्टन स्टेट, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो क्या बन गया, आप खुद सोचो, एल प्लस ओ टू। इसको बैलेंस कर लेंगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर बैलेंस करेंगे तो 4 Al 3 O2 और ये आ जाएगा 2, लेकिन मैंने बैलेंसिंग नहीं बताई है। दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जब हम इसके मोल्टन स्टेट में, कैसा है ये, सोडियम क्लोराइड, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो एल्यूमिनियम मेटल हमें अलग मिल जाता है और ऑक्सीजन गैस उसकी अलग निकल जाती है, ठीक है। ये हो गए मेरे एग्जांपल किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रोलाइसिस के तीन एग्जांपल दे दिए, बेसिकली हीट के एग्जांपल ज़्यादा थे। अगला आता है आपका जो तीसरा है हमारा, फोटो डिकम्पोजिशन। तीसरा क्या आता है बेटा, फोटो डिकम्पोजिशन। घबराना मत अगर जो नहीं लिख पा रहा है, मेरे अग्रवाल क्लासेस हापुड़ का पेज है, मैं उस पर सारी रिएक्शंस भेज दूंगा, कॉम्बिनेशन भेजी थी लास्ट क्लास में, अब डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट भेज दूंगा आज, ओके। तो फोटो डिकम्पोजिशन का जो सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताने वाला हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, AgCl, जो कि होता है वाइट कलर का, जिसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम है, सिल्वर क्लोराइड। बैलेंसिंग नहीं बता रहा हूँ अभी, आप बैलेंस कर सकते हो। जब हम इसको सनलाइट देते हैं या बल्ब की मदद से जो रोशनी प्रोड्यूस होती है, वो भी येलो कलर की होती है, बहुत सारे कलर का, तो सनलाइट, तो ये टूट जाता है Ag+Cl2। क्या टूट जाता है, Ag+Cl2, और यहाँ Ag क्या है बेटा, बेसिकली क्या है, सॉलिड, और क्या कलर होता है इसका, ग्रेइश, और इसका होता है ग्रीन। जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई है यहाँ पर, इसका कलर क्या होता है, बेसिकली जनरली येलोइश ग्रीन, क्योंकि थोड़ा सा येलोइश ग्रीन। और बेटा ये जो रिएक्शन आपकी मैंने लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है, ब्लैक एंड वाइट, जो पहले के टाइम में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी, उसमें यही रिएक्शन होती थी। सिल्वर क्लोराइड होता है वाइट कलर का, जैसे उसको सनलाइट दी, सनलाइट देने पे वो ग्रेइश कलर में टूट जाएगा सिल्वर, और येलोइश ग्रीन कलर की क्लोरीन गैस, और यही रिएक्शन किस में यूज़ होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी रिएक्शन है जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है, लाइट की मदद से ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो ये रिएक्शन है AgCl। उसी तरीके से सेम रिएक्शन AgBr के साथ है, AgBr के साथ है, ठीक है, आपको मेरे ख्याल से होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही क्या है हमारी AgBr के साथ है, ये क्या होता है बेटा, ये भी हमारा जनरली सॉलिड होता है, और जब हमने इसको लाइट दी तो ये भी किस में टूटेगा, Ag+Br2, और ये भी हमारी ब्लैक एंड वाइट में यूज़ होती है। तो दोनों रिएक्शन जो फोटो डिकम्पोजिशन है वो ब्लैक एंड वाइट में यूज़ होती है। इसका जो कलर होता है बेटा, बेसिकली वो होता है पेल येलो। सुन लीजिए, इसका कलर तो आपको पता ही है, ग्रेइश वाइट होता है जनरली, ठीक है। क्या कलर होता है इसका, ग्रेइश वाइट, ठीक है। और जो हमारा इसमें जो होती है, ये होती है रेड ब्राउन, ये तो आपने सुना भी होगा कि ब्रोमाइन का जो कलर होता है वो होता है रेड ब्रोमाइन, ओके। तो यहाँ पर मेरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन पूरी तरीके से ख़त्म। अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के यूजेस। बेटा हमारी अर्थ में बहुत सारे मेटल प्रेजेंट हैं, सोडियम, एल्यूमिनियम, बहुत सारे मेटल, आयरन, मगर वो डायरेक्ट आपका जैसे आपके पास पहुँचते हैं ऐसे नहीं आते, वो किसी ना किसी कंपाउंड में पाए जाते हैं, तो उसमें से हमें उस मेटल को निकालना पड़ता है। जैसे मैंने अभी NaCl का बताया,
किसका बताया अभी मैंने, Al2O3 का बताया। तो वो रिएक्शन हम यूज़ करते हैं डीकम्पोजिशन, उसी की मदद से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा यूज़ है। आप खाना खाते हो, खाना खाने पे आप बहुत सारा खाने को, कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हो, जैसे प्रोटीन्स में, एमिनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, बेकार की चीज़ें निकाल देते हो बॉडी से। तो यहाँ भी क्या कर रहे हो आप, डीकम्पोजिशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, डीकम्पोजिशन दांतों से चबाते हो, डाइजेशन जो होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी बॉडी में भी वेरियस पर्पज से यूज़ होती है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन काफ़ी अच्छी रिएक्शन है, और ये हम तरह तरह के पर्पज से सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं। अब लास्ट आज का जो हमें पढ़ना है वो जनरली है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है हमारा बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या होता है यही मुझे बताना है। पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब वो रिएक्शन जिसमें एलिमेंट अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, एक एलिमेंट किसी दूसरे कंपाउंड में जाके अपनी जगह फिक्स कर लेता है और उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट था उसको हटा देता है। या सीधी भाषा में कह सकता हूँ कि जब हाई रिएक्टिव मतलब पावरफुल एलिमेंट, हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के घर में जाके उसको रिमूव कर देता है, तो वो रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दो स्टूडेंट्स हैं ए बी। एक स्टूडेंट मान लीजिए आप स्कूल में बैठे हैं, आपकी चेयर है, आप किसी बच्चे के साथ बैठे हो ए बी, ठीक है। अब क्या करा, एक नया बच्चा, ये बहुत अच्छे दोस्त थे, कंपाउंड बना रखा है, एक नया बच्चा आया सी, इसने क्या करा, इस ए को इसी के सीट पे से जाके उठा दिया। ताकतवर था ये सी इस ए से, तो इस सी ने क्या करा, इस ए को इसी के घर में जाके उसी की सीट पे जाके हटा दिया और इसके साथ जुड़ गया, इसको दोस्त बना लिया। तो ये बी सी बन गया और साथ में क्या आ गया, ए इसकी जगह आ गया। तो यहाँ पर क्या करा, सी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया, सी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया। तो उसी तरीके की रिएक्शन क्या कहती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या दो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट कंपाउंड में जाके दूसरे एलिमेंट के साथ अपनी जगह को चेंज कर लेता है, तो उसे कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। वो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह घेर लेता है कंपाउंड में, उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको केमिस्ट्री की भाषा में समझिए, कंपाउंड क्या हो सकता है, मेटल और नॉन मेटल है। एम का मतलब क्या, सुन लो, ऐसे सुन लो, मैं पूरा लिख देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, दो एलिमेंट से मिलके बनता है कंपाउंड, मेटल नॉन मेटल, ये कंपाउंड है। अगर हमारा ये एक नया मेटल आया, तो ये अगर ये मेटल इस वाले मेटल से ज़्यादा शक्तिशाली हुआ, कौन किससे ज़्यादा शक्तिशाली होगा मैं बताऊंगा आपको, उस सीरीज़ को कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अभी के लिए सुनिए, अगर ये मेटल इससे ज़्यादा शक्तिवर हुआ, तो ये मान लीजिए मेरा था मेटल वन, ये था मेटल टू, ठीक है। तो ये मेटल टू इस मेटल वन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, मेटल टू नॉन मेटल, और मेटल वन उसकी जगह आ जाएगा। आया समझ में क्या करा, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अगर मेटल आया तो मेटल को हटाएगा, अगर नॉन मेटल होता, अगर क्या होता, नॉन मेटल होता तो नॉन मेटल फिर इसको हटाता। यानी अगर हमारा एलिमेंट मेटल है तो वो मेटल पे अटैक करेगा, और अगर एलिमेंट नॉन मेटल आता नॉन मेटल के साथ, तो वो फिर किसको हटाएगा, नॉन मेटल, ठीक है। आया समझ में, यानी सेम एलिमेंट एक दूसरे को हटाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं बेटा कैसे लिखूँगा, सामने देखिए, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, ए बी प्लस सी गिव्स ए सी प्लस बी, और ए बी प्लस सी। कब, अगर ये मेटल हुआ तो मेटल को हटाएगा, अगर ये नॉन मेटल हुआ तो नॉन मेटल को, तो दोनों में से कुछ भी बन सकता है, डिपेंड करता है इस वाले सी पे, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या, ए बी प्लस सी गिव्स ए सी प्लस बी, यानी हाई रिएक्टिव
एलिमेंट, एलिमेंट मतलब मेटल नॉन मेटल कुछ भी, डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट। ये सी क्या था, हाई रिएक्टिव था ए से, तो उसने सॉरी बी से, तो सी ने बी को हटा दिया, ए के साथ जुड़ गया, बी उसकी जगह आ गया। अगर मान लीजिए सी लेस रिएक्टिव होता तो कोई रिएक्शन नहीं होती। तो बेसिकली अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन की बात करूं तो क्या बोलेंगे, दोज रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसी के कंपाउंड में से, देन वी कैन से दैट इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब हटा देना हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को, मेटल है तो मेटल को हटाएगा, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल को। ये सी अगर मेटल है तो ये मेटल को हटा रहा है बी को, अगर नॉन मेटल होता तो ए को हटाता नॉन मेटल को। ठीक है, आया समझ में, हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, इसे क्या कहते हैं बेसिकली हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये हमारी बेटा जनरली एक्सो एंड एंडो दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है। ठीक है, एक्सो भी हो सकती है और एंडो भी हो सकती है, बताएंगे कैसे। अब आगे सुनिए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, हाई रिएक्टिव एलिमेंट, एक एग्जांपल ए बी प्लस सी गिव्स ए सी प्लस बी, बी सी ने बी को हटा दिया बिकॉज सी इज मोर रिएक्टिव देन, क्या लिखेंगे, बिकॉज सी इज मोर रिएक्टिव देन बी, सी बी से ज़्यादा रिएक्टिव था इसलिए उसने उसी की जगह उसी के घर में जाके उसी को हटा दिया। गुंडा था ये भैया, उसने उसी को हटा दिया, क्या कि भैया मैं तेरे से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, तू यहाँ से हट, मैं बैठूंगा और तू कहीं मेरी जगह जा, कब्जा कर लिया जैसे राजा महाराजा पहले कर लेते। ठीक है, अब आगे सुन, अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने आ रहा है और इसके एग्जांपल वाक्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान से सुनेंगे और याद होने चाहिए। ये होता है कॉपर सल्फेट, लिखता चल रहा हूँ, बस ये लास्ट टॉपिक है आज का, कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसका जो कलर होता है ब्लू, कल के लेक्चर में आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स, आज डीकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट पूरे अच्छे से हो गए, कल होगा रेडॉक्स और बेसिकली आपका डबल डिस्प्लेसमेंट छोटे छोटे हैं, तो कल के बाद मोस्टली चैप्टर पूरा खत्म, एक लेक्चर में जो बचा कुचा पार्ट होगा वो दे देंगे, यानी दो दिन और आएंगे बस लेक्चर इसके। तो इसका जो कलर होता है बेटा जनरली वो क्या होता है, ब्लू कलर होता है। अगर अब हमने यहाँ पे क्या करा, इसके अंदर क्या डाल दिया, मैग्नीशियम डाल दिया जो कि एक सॉलिड है। आप सुनना मेरी बात, यहाँ पर क्या करा, कॉपर सल्फेट में हमने क्या डाल दिया, मैग्नीशियम कह रहा हूँ, जिंक हमने पढ़ा भी था, जिंक डाल दिया जो कि क्या होता है आपको, जनरली एक सॉलिड होता है। ठीक है, जो किस कलर का होता है, सुनते रहिए, मैं कलर भी बता रहा हूँ, आप ये लिखते रहिए, सिल्वरी वाइट। किस कलर का होता है, सिल्वरी वाइट। तो ये जेड एन मेटल है तो किसको अटैक करेगा, मेटल को, यानी हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को हटाएगा, तो क्या बन जाएगा, जेड एन एस ओ फोर, जेड एन इसकी जगह आ जाएगा एस ओ फोर, और ये सी यू इसकी जगह चला जाएगा। और रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जो जिंक था वो ज़्यादा शक्तिशाली था कॉपर से, इसलिए उसने उसको क्या करा, हटा दिया। ठीक है, और ये जो बनेगा सॉल्यूशन, एक्वस मतलब पानी से मिला हुआ है, मैंने बताया था ये क्या होता है, कलरलेस, और कॉपर क्या होता है, जनरली ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन कलर का। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया इसका पहला एग्जांपल। ठीक है, सॉलिड होगा और ये रेड ब्राउन कलर का होगा। तो कॉपर सल्फेट क्या है, ब्लू। क्वेश्चन आया कि एक ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, उसमें जिंक को डालते ही उसका ब्लू कलर डिसअपीयर हो गया। क्वेश्चन सुनो, व्हाई द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपीयर व्हेन वी डिप्ड जिंक इन कॉपर सल्फेट। जिंक को डालने से उसका ब्लू कलर डिसअपीयर क्यों हो गया, क्यों, बिकॉज जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, क्योंकि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्यूशन में, बिकॉज इट इज़ मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मतलब मोस्ट शक्तिशाली, ये इससे जल्दी रिएक्ट कर लेगा और इसलिए उसका ब्लू कलर क्या हो गया, फेड हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कि ब्लू कलर क्यों फेड हो गया कॉपर सल्फेट का जिंक में डालते ही। ठीक है, तो रीज़न, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। अगला एग्जाम्पल सुनिए, ठीक है, कॉपर सल्फेट, अब मैं इसका कलर नहीं लिखूंगा, सबको पता है क्या कलर होता है, ब्लू। इसमें मैंने डाला अब आयरन,
क्या डाला जनरली? लोहा। आपको पता है लोहा के सिंबल क्या होता है? आयरन। और जनरली होता क्या है ये? ग्रे कलर का। जनरली मेटल तो ग्रे कलर के होते हैं, पढ़ा था आपने 9th क्लास में मेटल में, इस मेटल अराउंड स्फीयर में। तो ये क्या बन गया? FeSO4। और किस कलर का बन गया? ग्रीन कलर का। और क्या बच गया यहाँ? Cu। यानी यहाँ भी आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इट्स मीन्स आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स वाई इट्स ब्लू कलर चेंजेस इनटू ग्रीन कलर। क्योंकि क्यों हुआ? क्वेश्चन आया व्हाई द कलर ऑफ, व्हाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस व्हेन वी डिप आयरन इन दिस। तो क्या लिखेंगे? बिकॉज आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव, दैट्स वाई इट कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन कलर। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। और इसे क्या कहेंगे? आयरन सल्फेट। ये नाम क्या है इसका? आयरन सल्फेट। और ये तो पता ही है सॉलिड है रेड ब्राउन कलर का। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। जितने भी एक्सपेरिमेंट है ये मैं अग्रवाल क्लासेस आप उठ पर डालता रहूँगा, जैसे मैंने मैग्नीशियम रिबन का डाला था। आप सुनते रहिए, देखते रहिएगा उसको, पेज को, ठीक है? आगे सुनिए, अगला आता है बेटा आपका एग्जाम्पल, ठीक है? देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या है। अगला है तीसरा, ख़त्म होने वाला है। अगेन पहले CuSO4 के लेंगे, ये ब्लू कलर का है। इस बार मैंने डाला मैग्नीशियम। क्या डाला? Mg को आपको पता है सबको क्या सिंबल होता है? मैग्नीशियम। ये किस कलर का होता है? ये भी सिल्वरी वाइट। किस कलर का? सिल्वरी वाइट। तो बन गया MgSO4, जिसको कहेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। सुन लो, ये सभी के सभी बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और क्या बन गया? कॉपर। यानी यहाँ पे भी मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। और ये जो सॉल्यूशन बनता है ये भी क्या होता है? कलरलेस। तो इसका क्वेश्चन भी आ सकता है कि ब्लू कलर क्यों डिसअपीयर हो गया मैग्नीशियम डालने के बाद, ठीक है? तो ये हमारे हो गए अब तक के चार एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल। अब आगे सुनिए, ये सभी क्या हो रहा है? हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर रहा है बेटा? डिस्प्लेस कर रहा है। चलिए अगला एग्जाम्पल सुनते हैं। कॉपर क्लोराइड, सुन लीजिए, जो जनरली हमारा होता है ग्रीन कलर का, जिसका नाम है कॉपर क्लोराइड। ये याद होने चाहिए फॉर्मूले धीरे धीरे। कॉपर क्लोराइड जो कि हमारा ग्रीन सॉल्यूशन है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है, जब हमने इसमें लेड डाला, लेड का सिंबल मैंने आपको बताया था क्या होता है, जनरली आपका Pb होता है, ठीक है? इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लूइश ग्रे, ब्लूइश। ये लिखते चलो हैंड टू हैंड, आप मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, याद हो जाएंगे एंड तक पहुँचते पहुँचते, इतनी बार रिएक्शन रिपीट होगी। तो ये बन जाएगा मेरा जनरली PbCl2। Pb ने Cu को क्या करा? डिस्प्लेस कर दिया और बना दिया लेड क्लोराइड। क्या कहेंगे इसको? लेड क्लोराइड, जो कि क्या होता है? कलरलेस सॉल्यूशन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, है ना? और साथ में क्या हो गया? Cu। और ये क्या है हमारा? Aqueous। बताइए, जिसको समझ में नहीं आया पूछिए मेरे पास, ठीक है? अगला सुन लीजिए, ठीक है? आगे सुन लीजिए और याद रखिएगा, इसको हम इसमें इसको हम बोलते हैं कॉपर का सेकेंड क्लोराइड। शॉर्ट में बता रहा हूँ, कैसे वो बताए, क्योंकि कॉपर की दूसरी वैलेंसी यूज़ करते हैं, ठीक है? Cu वाली, ठीक है? आगे सुनिए, जिसमें कॉपर की वैलेंसी +1 होती है और +2 होती है। तो यहाँ हमने कौन सी यूज़ करी? +2। मैं 9th क्लास में मैंने पढ़ाया था, जिसको नहीं आया कॉल कर लो, आगे सुन लो। ये एग्जांपल हो गया हमारा, ठीक है? अगला एग्जांपल, ओवरऑल जो इसके एग्जांपल हैं बेटा, वो जनरली एग्जांपल है इसके 11, मैं सारे बताऊंगा क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक? अगला एग्जांपल सुनिए, एग्जांपल 5, सिल्वर नाइट्रेट। जल्दी जल्दी बताते हैं और चैप्टर ख़त्म करते हैं। क्या है ये मेरा? सिल्वर नाइट्रेट। इसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है बेटा। क्या होता है? कलरलेस। अब तक तो कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहे थे, इस बार क्या डाला हमने इसमें? कॉपर डाला। AgNO3 में बेटा क्या डाल दिया? कॉपर। तो ये बन गया CuNO3 का होल ट्वाइस, जिसको कहते हैं एक मिनट, कॉपर नाइट्रेट। क्या कहेंगे बेटा? कॉपर नाइट्रेट, ठीक है? और Ag हो गया अलग। इट मीन्स कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। और ये जो कॉपर का है ये होगा ब्लू सॉल्यूशन। कैसा होगा? ब्लू सॉल्यूशन।
तो यहाँ पर कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाई द व्हेन वी पुट कॉपर इन AgNO3 इट कलर चेंजेस इनटू ब्लू कलर, व्हाई? बिकॉज कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, अगला एग्जांपल सुन लीजिए मेरी बात। ठीक, आयरन लोहा सुना होगा, तो जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, सुना होगा सबने, जनरली एसिड क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बन जाएगा, आप खुद सोचो क्या बन जाएगा, FeCl2 आयरन का सेकेंड क्लोराइड, जिसमें आयरन की सेकेंड वाली वैलेंसी यूज़ करते हैं, फेरम वाली। और ये जो कलर होता है इसका बेटा, इसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस होगा, और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी आपकी, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर आयरन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को। ठीक है, यहाँ पर कॉपर ने Ag को करा, आयरन ने हाइड्रोजन। आप सबको पता है हाइड्रोजन कभी कभी होता तो नॉन मेटल है, मगर बिहेव किसकी तरह करता है, मेटल की तरह, तो कंफ्यूज मत होना, मगर याद रखना मेटल मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल। ठीक है, अगला एग्जांपल सुन लीजिए, इसको पढ़ने के बाद जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, मैग्नीशियम का पढ़ते हैं। ठीक है, सेम काम, मैग्नीशियम सॉलिड है, HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये मैं आपको जान के बता रहा हूँ, कोई भी ये मत समझना भैया ने कितने एग्जांपल बता दिए, क्यों, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, गिने चुने 3-4 एग्जांपल और बचे हैं, जल्दी से उसे पढ़ लेते हैं। ठीक, आगे सुनिए, अगला एग्जांपल आता है बेटा सोडियम, जो कि एक सॉलिड होता है। क्या होता है एक सॉलिड, हमने उसको क्या डाल दिया, पानी में डालेंगे, जो कि क्या है, लिक्विड, तो ये बन जाएगा क्या, आप खुद सोचो, NaOH, जो कि एक्वस, जो कि बहुत अच्छा बेस है, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखना, कास्टिक सोडा, घर में सुना होगा NaOH कास्टिक सोडा, और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी बेटा, हाइड्रोजन गैस, ये याद रखना। ठीक है, अगला एग्जाम्पल आता है कि जब हम क्लोरीन को पोटेशियम आयोडाइड, क्लोरीन एक गैस है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, KI आपने पढ़ा था, जो कि एक्वस होता है, तो इस बार क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, तो वो मेटल को नहीं करेगा, नॉन मेटल को ही करेगा, तो क्लोरीन किसको हटाएगा, आयोडीन को, बिकॉज आयोडीन नॉन मेटल है, तो क्या बन जाएगा, KCl प्लस I2। I2 क्या है यहाँ पर आपके बेटा, ये जनरली आयोडीन। ठीक है, और ये आयोडीन जनरली जो आपका होता है, सॉरी यहाँ गैस नहीं आएगा, सॉलिड आएगा। ठीक है, ये भी क्या है, सॉलिड, पोटेशियम आयोडीन सॉलिड में पाया जाता है, याद रखिएगा, KCl सॉलिड हो गया। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड गैस हो गया, और अगर कि क्लोरीन गैस प्लस पोटेशियम आयोडाइड एक्वस, पोटेशियम क्लोराइड प्लस, एक मिनट सॉरी, यहाँ भी एक्वस आएगा, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन था ना, तो ये आपका सिंपली हो गया। ये भी रिएक्शन किसकी है, डबल डिस्प्लेसमेंट, हाई रिएक्टिव नॉन मेटल लो रिएक्टिव को रिप्लेस कर रहा है, इट मींस क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज अलग होती है, नॉन मेटल नॉन की अलग होती है, मेटल मेटल को हटाएगा, नॉन मेटल नॉन मेटल को। लास्ट एग्जाम्पल आ रहा है और ये मेरा पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसको भी समझ में नहीं आया वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, एनी टाइम, जब भी आपका मन करे, मैं अभी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको करना है। ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात, जो हमारी लास्ट रिएक्शन है, एक मिनट रुकिए, बस देख लेते हैं, कुछ में बचा तो नहीं है, नहीं कुछ नहीं बचा, बस एक लास्ट एग्जांपल और है, कॉपर ऑक्साइड को, जो बेसिकली हमारा CuO होता है, उसको जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभी तो पढ़ा था, प्लस कॉपर, तो यहाँ पर मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। एंड लास्ट वन इज Fe2O3 आयरन का थर्ड ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं इसे, उसको जब Al के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बन जाएगा Al2O3 plus Fe। ठीक है, कोई दिक्कत, ये हो गया मेरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर मेरा ये टॉपिक खत्म। ठीक, सारी रिएक्शन मैंने बता दी हैं इसके डिस्प्लेसमेंट की, अब सुन लीजिए जो अभी तक आपने पढ़ा, हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले पढ़ा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। मेटल एलिमेंट कंपाउंड के साथ कर सकता है, कंपाउंड कंपाउंड के साथ कर सकता है।
ठीक है, एलिमेंट एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है, बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। फिर पढ़ाया और कॉम्बिनेशन जनरली एक्सोथर्मिक होती है, ए प्लस बी गिव्स सी, ठीक। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन कराने में हेल्प करते हैं। फिर हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंगल सब्सटेंस में प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, एक या दो या दो से ज़्यादा, जनरली तीन तरीके की होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, ये हीट एनर्जी की जरूरत है, थर्मल हीट की मदद से एग्जांपल दिए, इलेक्ट्रोलाइसिस एग्जांपल दिए। वो याद रखना चाहिए 2:1 में होता है हमेशा, जब वाटर को तोड़ेंगे हाइड्रोजन 2 आएंगे और ऑक्सीजन 1, क्वेश्चन आता है। तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन जिसमें ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में दोनों रिएक्शंस यूज होती है, AgCl वाली और AgBr वाली, सिल्वर क्लोराइड वाली, सिल्वर ब्रोमाइड वाली, सिल्वर और क्लोरीन में टूटना है सिल्वर और ब्रोमाइड में। इसके बाद हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, वो दोज रिएक्शंस इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसी के कंपाउंड में से, मेटल है तो मेटल को, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल को। AB प्लस सी गिव्स AC प्लस बी, जनरली एक्सोथर्मिक होती है, एंडो भी हो सकती है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, कोई सारे रिएक्शंस पढ़े कि ब्लू कलर किसका होता है, कॉपर सल्फेट का। आयरन सल्फेट का क्या कलर होता है, ग्रीन कलर का, ठीक है। कॉपर क्लोराइड का ब्लू कलर होता है, या जो हमारी गैस होती है जनरली नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अभी मैंने आपको बताया है उसकी स्पेशल फ्यूल है ब्राउन फ्यूल के साथ बर्न होती है। तो ये आपको पता होने चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चन आते हैं कि कलर डिसअपियर क्यों हो गया, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है ना, इसका कलर ये क्या हो गया, कैसे चेंज हो गया, ठीक है। या डिकम्पोजिशन का यूज़ किया है हमारी बॉडी में डाइजेशन या मेटल को निकालने के लिए। तो तरह तरह के यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है आपको जो पढ़ा दिया है मैंने। अब बचता है डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स चैप्टर, ख़त्म। दो लेक्चर आएंगे, एक में दोनों ख़त्म करेंगे और एक में ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसमें हम एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं BHA और BHT, वो हम कल पढ़ेंगे। होमवर्क आपको मैं बता देता हूँ कि आपको सब कुछ जो भी आपको क्वेश्चन है मैं वर्कशीट सेंड करूँगा, उसे सॉल्व करना है, अभी कर दूँगा आज या कल में, ठीक है। धन हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।